अब खबरें विस्तार से। उद्धम सिंह नगर की किच्छा तहसील में केंद्र सरकार की ओर से सैटेलाइट एम्स को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला और एसडीएम के साथ पहुंचकर प्रस्तावित भूमि एवं खुरपिया फार्म में दो अन्य जगह पर भूमि का निरीक्षण किया। सैटेलाइट एम्स के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करने आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सैटेलाइट एम्स को मंजूरी मिलने के बाद से ऋषिकेश एम्स के एकेडमिक डीन के नेतृत्व में टीम का गठन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन से बात की जा रही है। जो भी भूमि सैटेलाइट एम्स के लिए सुविधाजनक होगी उसको चिन्हित कर स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत कराया जाएगा ताकि जल्द ही सैटेलाइट एम्स का कार्य शुरू हो सके। किच्छा से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। टीम का मुआयना हो रहा है, वो उपयुक्तानुसार जमीन अभी देख रहे हैं कहाँ पे फिजिबिलिटी के हिसाब से सबसे बेहतर होगा, और अभी टीम टेक्निकल सर्वे कर रही है। उसमें जो भी उनको आवश्यकता पड़ी सूचनाओं की या जो स्थान की, वो हम लोग उनको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो भी उनकी टीम की रिपोर्ट हो जाएगी वो हाई लेवल कमेटी को सबमिट की जाएगी। ये अभी देखिए अभी चल रहा है, अभी हम लोग उनको जो प्रस्तावित स्थल है या संभावित स्थल है उसके क्या ड्रॉबैक हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब विषय पर चर्चा चल रही है। अभी कमेटी बैठेगी, अभी वो अभी प्रक्रियागत विषय है, अभी उसके बारे में सूचना दी जाएगी। एम्स डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश को रिपोर्ट देना है सरकार को। हमें राज्य सरकार के द्वारा एक भूमि जो है निर्धारित की गई थी 100 एकड़ का, जो हमने देखा। फिर माननीय विधायक मंत्री विधायक साहब आए थे तो उन्होंने दो तीन और भी साइट सजेस्ट किए हैं, जो कि जो टीम है वो इसको इंस्पेक्शन कर रही है, वो बैठ के विचार करेगी कौन सा सूटेबल है, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को पेश करेगी। तो कहते हैं कि सब हवाई बातें हैं, कल्पना की बातें हैं, इसलिए मैंने आज कहना चाहता हूँ देख लो सरकार कितनी गंभीर है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की तब तक भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और सारे लोग यहाँ आ गए। आज भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं, एम्स के डीन आए हुए हैं, वहाँ के सिविल इंजीनियर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हुए हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट आए हुए हैं, और जो ज़मीन हमने प्रपोज किया आज वो भी दिखाई। चूँकि वो रेलवे लाइन के उस पार है तो एक प्रश्न ये आया है कि रेल के फाटक बनाने पड़ेंगे, कहीं फाटक बंद हुआ पेशेंट कैसे जाएगा, तो विकल्प के रूप में हमने उनको सिरकुल की ज़मीन दिखाई है खुरपिया की कि वहाँ भी हम एम्स की स्थापना कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सरकार गंभीर है और हम कर रहे हैं, और मुझे तो जैसा बताया गया है कि इस बात की बहुत संभावना है कि अगले महीने में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी यहाँ किच्छा में आकर के इस एम्स का शिलान्यास भी करेंगे।